मांझदेश नहीं, अब हो गया प्लीज, मांझदेश अंतिम वक्ता नारायण बेनीवाल। मैं माननीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि संविधान के 70वें वर्ष में विशेष सत्र बुलाकर संविधान में उल्लेखित अधिकार एवं कर्तव्यों पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज संविधान में अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित विशेष सत्र में मैंने केवंसर विधानसभा से निर्वाचित होकर राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं केवंसर की 36 कौम की जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास करके रालोपा के सुप्रीमो सांसद श्री हनुमान बेनीवाल के विकास के सपनों को पूरा करने वे मेरे पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी के आदर्शों पर चलने के लिए मुझे जनसेवक के रूप में चुना। मैं प्रदेश के समस्त युवाओं जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है, अन्नदाता किसान वे मातृशक्ति को भी दिल से प्रणाम करता हूँ जिनके प्रत्यक्ष या परोक्ष आशीर्वाद व समर्थन से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े पुरोधाओं ने इस चर्चा में बढ़ चढ़ के भाग लिया। चूंकि मेरा ये पहला उद्बोधन है, बड़ा अच्छा लगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान के बारे में लगभग सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए जिनका उल्लेख भी समस्त वक्ताओं ने बहुत ही विस्तृत तरीके से सबके सामने रखा। उसके अलावा अधिकारों का जो ज्ञान है वो 70 साल के अंदर मेरे हिसाब से देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अधिकारों की जो बात है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब सारी बातें जो है वो हम सबको मिलके हमारा ये परम दायित्व है कि कर्तव्यों के ऊपर हमें चलना चाहिए, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे संविधान की बात हो। जिस तरह से 70 साल में आज ज्ञान की कोई कमी नहीं, आज डिजिटलीकरण का समय है, आज विकास के अंदर देश इतना आगे बढ़ गया कि एक क्लिक के ऊपर आप किसी भी मुद्दे पे आप हजारों साल का ज्ञान एक सेकंड के अंदर अर्जित कर सकते हो, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सुबह जब सदन शुरू हुआ माननीय संसदीय मंत्री जी ने मीडिया को लेकर भी बात कही कि मीडिया को अनुकूलता का जिक्र किया, लेकिन मैं ईमानदारी से हम सबका परम कर्तव्य है कि हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि उस सब की समस्त जिम्मेदारी हम जो सदन में लोग बैठे हैं हमारी है। मीडिया के बहुत सारे लोग और जो पाठक है वो ये चाहता है कि मीडिया का अनुकूलन राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं हो, इसके लिए हम हमारी जिम्मेदारी से अपने आप को नहीं टाल सकते। तो मैं आपके माध्यम से सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि मीडिया को साथ लेके, क्योंकि अब पाठकों के जो राय है और जो आम व्यक्ति के जो विचार हैं उसके अंदर मीडिया की भूमिका को हम हल्के में नहीं ले सकते। जो भी क्रांतियां हुई, जो भी परिवर्तन हुए, उसमें सबसे बड़ा जो बड़ी जो भूमिका निभा रही है वो मीडिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, और दादाजी पड़ोसी के दादाजी का स्वर्गवास हो और मेरे दादाजी को मोक्ष मिल जाए। हमें इन सब चीज़ों पर सोचने की, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हमने इन सब बातों पर अभी आज भी गौर नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रकृति को बचाना है। द्रौपदी के चीर की तरह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में प्रदूषण को लेकर किसानों को पराली जलाने का जिम्मेदार ठहरा गया। हमें हमारी ये पूर्ण सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण के वास्तविक कारण कौन से हैं, हमें उन सब मुद्दों को बहुत गहनता से अध्ययन करना है और उनको, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं बची तो हम बच के भी क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ज्वलंत जो चीज़ें हैं ये हमारा सबका कर्तव्य है। कभी भामाशाह कार्ड का नाम बदलने के नाम पे, तो कभी अटल सेवा केंद्रों व अन्य योजनाओं का नाम परिवर्तन करने के कारण
करोड़ों अरबों का धन तो व्यय होता ही है, कागजों के लिए, करोड़ों पेड़ों की कटाई के लिए हम सभी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता और विपक्ष में बैठे मेरे तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसी योजनाओं का नाम बदलने की बजाय उनके जो विचार थे, हमारा अंतिम छोर पे, समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, योजनाओं में चाहे किसी का नाम हो, हमारा प्रत्येक व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, समानता के अधिकार की जो बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार कैसे मिले, इन सब चीजों पे सोचने का परम कर्तव्य हमारा बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिना कोई सच कोई बोलना चाहता नहीं है और न सच सुनने की किसी की आदत रही। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में संतुलन 70 सालों से गड़बड़ा रहा है। विधायिका को नैतिक रूप से गिरावट के कारण न्यायपालिका और विशेषकर कार्यपालिका दोनों की अतिशक्रियता से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का संविधान के प्रति समर्पण कम हुआ है। इस बात को हमें बिल्कुल पुरजोर तरीके से हमें सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता 70 साल के बाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब विद्यार्थी था तब मुझे विधानसभा में आने का, मेरे पिताजी के साथ आने का मौका मिला। तब मैंने देखा था कि जब भी कोई ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा होती थी तब अधिकारी दीर्घा पूरी भरी हुई होती थी। आज मैं सुबह से देख रहा हूं और ये कहते हुए मुझे बड़ा, मेरा मन विचलित है आज, क्योंकि मैं प्रथम बार यहां चुन के आया हूं कि आज इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे के ऊपर भी जब सदन के नेता, सदन के उपनेता और समस्त सदस्य बड़ी तल्लीनता से एक एक शब्द सुन रहे और बोल रहे हैं, तब भी इस नैतिक जिम्मेदारी जिनकी सबसे बड़ी है और जिनको संकल्प लेने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कार्यपालिका के लोगों को, मैं सुबह से देख रहा हूं कि एक दो व्यक्तियों को छोड़ के किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी पुरजोर में मांग करता हूं सदन के माध्यम से और सभापति जी कि ऐसी परिपाटी बने कि जब तक सदन चले तो सिस्टम को चलाने वाले लोग हमारे एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें, कहां कमी है। मैं अभी सत्तापक्ष के लोगों से भी सुबह से मैं सुनता आ रहा हूं कि सत्ता जो देश आजाद हुआ उसमें इन लोगों की भूमिकाएं रही, ये जो आज विकसित हुआ देश उसमें इन लोगों की भूमिका रही। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अटल बिहारी जी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी और अब्दुल कलाम आजाद जी जैसे लोगों का भी आप नाम लेते तो मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता। मैं यहाँ यही निवेदन करूंगा कि सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है, कभी आप सत्ता में बैठोगे, कभी आप सत्ता में बैठ जाओगे, लेकिन हम सबको मिलके हमारा परम कर्तव्य है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो गाड़ी है और उसकी स्टीयरिंग जो हमारे हाथों में दी है, हम लंबे दूरी तक उन लोगों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम आगे ले जाएं, ये हमारा परम कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने लोगों की भावना के अनुरूप एक देश एक संविधान के पुनित कार्य को अंजाम दिया। और सत्तापक्ष में बैठे लोगों का भी, मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रखूंगा ये कि ऐसा जो भी मामला है इसके अंदर आप माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और राम मंदिर के मुद्दे पे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो न्यायपालिका ने जो फैसला दिया कि इतने ज्वलनशील मुद्दे पे, इतने अति संवेदनशील मुद्दे के ऊपर भी लोगों ने आस्था न्यायपालिका के प्रति रखी, उन लोगों का सम्मान भी आपको अपने शब्दों में करना चाहिए था। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबार को मुख्य पृष्ठ को देखते ही दुर्घटनाओं की खबरें और लाल होती सड़कों पर सुनी हुई माताओं की गोदें और मिटते सिंदूरों की खबर पढ़कर सुबह सुबह मन विचलित हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि रोड सेफ्टी को लेकर एक रोड मैप का निर्माण अत्यंत अपेक्षित है, जिसपे अभी जैसे आवारा पशुओं को लेकर भी आए दिन अखबारों के अंदर सबसे बड़ी खबरें आती है, तो आवारा पशुओं को लेकर हम यदि कोई ठोस कार्य योजना बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल के से छोटे जो बछड़े हैं उनके परिवहन पर सरकार ने रोक लगा दी और उन बछड़ों जो नागौरी नस्ल के जो बछड़े होते थे, माननीय अध्यक्ष जी पहली बार आया हूँ और बड़ा आपको जब बाहर से देखता था तो अनुशासन आपका, हमेशा मैं आपका दिल से सलाम करता हूँ, लेकिन कुछ बोलने का और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मेरा थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा। और समय दो मिनट और समय देंगे, आज संविधान पर चर्चा है, ठीक है। धन्यवाद, बोले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आवारा पशुओं को जैसे नागौरी नस्ल के बैलों की बात करते हैं, आज संविधान पर चर्चा है आपकी, ये कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ सर, मैं कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ कि हमें यदि गोवंश को बचाना है और आवारा पशुओं से यदि हमें निजात चाहिए
तो गौशालाओं के साथ साथ तीन साल से कम बछड़ों के परिवहन पर जो सरकार ने रोक लगाई है, वहां माननीय न्यायालयों में भी जाके और इस पर कोई ठोस कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं उसके पेट पर निर्भर करती है कि उसका पेट खाली है या भरा हुआ। भरे हुए पेट पर मस्तिष्क में अच्छे विचार पैदा होते हैं। आज 70 साल बाद भी लोग आवास, अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा को लेकर अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। आज विडंबना इस बात की है कि देश के सभी सदनों में निर्वाचित सदस्यों के व्यक्तिगत विचार स्थायी नहीं रहे। दल बदल जैसे कानूनों में शिथिलता के कारण हर सदस्य के विचार उस दल की विचारधारा के अनुकूल हो जाते हैं। आज सत्तापक्ष के वक्ताओं से भी अपेक्षा थी कि ऐसे कई अति संवेदनशील मुद्दे थे जिन पर आप लोग उनका साधुवाद करते। माननीय सभापति महोदय, कृषि प्रधान देश में किसान मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। फसली बीमा, आगजनी की घटनाओं में दिए जाने वाली सरकारी मदद का सही आकलन करके मुआवजा दिलाने, किसानों को अच्छे बीज, अच्छी फसलों का उचित मूल्य और सारी इन सब चीज़ों पर हमें, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि इसके ऊपर ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विधानसभा में आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर भी चर्चा के दौरान मैं थोड़ा सा सर एक मिनट बताना चाहूंगा। मान्य सदस्य प्रथम बार बोल रहे हैं, आपका स्वागत है। अंत में पर संविधान के संबंध में चर्चा है, कृपया वाइंड अप करें। अंत में मैं लोकतंत्र के सभी स्तंभों के सभी सदस्यों व आम नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी भूमिका अदा करें और प्रत्येक व्यक्ति की एक ही भावना होनी चाहिए कि देश हमारे लिए प्रथम और सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।